अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सामान सारी और आप देख रहे हैं सामान सारी टेक। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है। दोस्तों आज मैं आपको एंड्रॉइड फोन के चार अमेजिंग फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें यूज करके आपका एंड्रॉइड फोन एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। तो गाइस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं, ऐसे में आपको WhatsApp पर कोई मैसेज आ जाता है और आप उस मैसेज का जवाब देना भी लाजमी समझते हैं, तो जब आप वीडियो को बैक करते हैं तो वीडियो रुक जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बैकग्राउंड पर चलती रहे तो उसके लिए दोस्तों आपने प्ले स्टोर पर आना है। यहाँ पर आपने VLC प्लेयर को इंस्टॉल करना है। दोस्तों VLC प्लेयर इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन नज़र आता है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने VLC प्लेयर पर क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद आपकी YouTube वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपने स्क्रीन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने तीन डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आता है पॉपअप प्लेयर, आपने इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी वीडियो बैकग्राउंड पर प्ले हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप साथ ही साथ में वीडियो भी देखते रहिएगा और आपने जिसका व्हाट्सअप पर जवाब देना हो या जिससे चैटिंग करनी हो उसके साथ भी आप चैटिंग कर सकते हैं। गाइज अगर आप व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हैं और आप टाइपिंग करना पसंद करते हैं तो आपके लिए एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत ही ज़बरदस्त फीचर मौजूद है, वो है टाइपिंग शॉर्टकट्स का। आप अपने जुमलों का, अपने फ्रीजेस का शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। HH तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जुमला आ चुका है हाउ आर यू। दोस्तों इसी तरह से मैं आपको दूसरा शॉर्टकट अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैं टाइप करता हूँ HK तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा फिक्र आ चुका है कि मेरे बाबू ने खाना खाया। तो इसी तरह से आपकी टाइपिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फिक्रों के शॉर्टकट्स बना सकते हैं ताकि आपको टाइपिंग करने में आसानी हो। तो गाइस ये सेटिंग आपने कैसे करनी है, उसके लिए आपने कीबोर्ड की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपने डिक्शनरी में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने पर्सनल डिक्शनरी में जाना है। यहाँ पर आप अपने फिक्रों का शॉर्टकट इंग्लिश में भी बना सकते हैं और उर्दू में भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वो फिक्रा लिखना है जिसका आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, जैसा कि अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आपने अस्सलाम वालेकुम का कोई भी शॉर्टकट टाइप कर देना है, जैसा कि AOA। उसके बाद दोस्तों आपने बैक कर देना है। यहाँ पर मैं अब आपको दोबारा से अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने AOA टाइप किया तो यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ आ गया। तो दोस्तों इस तरह आप अपनी टाइपिंग को बड़ा आसान बना सकते हैं। इसी तरह से आप रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले फिक्रों का शॉर्टकट्स बना सकते हैं। अगर आपके फ़ोन पर या किसी ऐप पर या फिर किसी भी वेबसाइट का OTP आता है और आप उसको कॉपी या पेस्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ एक सेटिंग को ऑन करना है, उससे आपका OTP ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपने सेटिंग में आना है, स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है। यहाँ पर आपने गूगल पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑटो फिल का ऑप्शन नज़र आता है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने SMS वेरिफिकेशन कोड्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पहले नंबर पर ऑप्शन नज़र आता है ऑटो फिल सर्विस, यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना है। तो इस तरह से आपको कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका OTP ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। गाइस आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं उन्हें आप बिना किसी थर्ड पार्टी की ऐप को इंस्टॉल किए, बिना किसी और एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए उनको किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपने प्ले स्टोर में आना है। यहाँ पर आपने ID पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आता है मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, आपने इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको शेयर ऐप्स का ऑप्शन नज़र आता है, तो यहाँ से आपने सेंड पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास सारी ऐप्स आ जाएंगी, जो ऐप्स अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर करना चाहते हैं उन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आता है सेंड का, आपने सेंड कर देनी है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप किसी दूसरे फ़ोन से अपने फ़ोन में ऐप्स को लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपने रिसीव पर क्लिक करना है। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की अमेजिंग ट्रिक्स के लिए सामान सारी टेक को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।